नमस्कार प्रणाम जय श्री राम जय बाबा बागेश्वर धाम के। एक बार फिर स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आज एक ब्लॉग च पुरिया नए थे जी जो मूर्ति लगी जिस समय प्राप्त दिखाई मिली तीन का आज उद्घाटन च। चलो आप लोग खुदा भी दुकान में कनकन उन उद्घाटन कतु भीड़ होंगी और कनकन रह प्रोग्राम। तो यह आज जी पूरे नए थे जी एक जबरदस्त मूर्ति मंगल दल पहुंचे लेकिन साक नहीं कहा बनी पीलो वाला पीलो वाला धारे छिंजे ना ही साक नहीं छिंजे बाकी कुछ लोग भी आने लगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय ट्रस्ट के सभी आदरणीय सदस्यों से अनुरोध है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को यथास्थान बैठाने की कृपा करें। हमारे हृदयस्थ आदरणीय श्री मनोहर सिंह रावत जी, ठाकुर भवानी सिंह जी, आदरणीय हमारे चिर परिचित इस गांव के दामाद गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गए हैं और साथ ही साथ हमें परम सौभाग्य है हमारा कि हमारे इस सौभाग्य की पूर्ति आदरणीय श्री कृष्ण जी प्रोफेसर हेमवती नंदन बरमणा जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे आदरणीय ये केवल आपके सहयोग और आपके द्वारा दिया गया दिशा निर्देशों के द्वारा ही ये कार्य संभव हो पाया है। आप सभी का आशीष सदैव हमारे सर पर बना रहे वह सदैव इसी तरीके से सहयोगरत होकर के अपने क्षेत्र का नाम उज्ज्वल करते रहे। आज इनका जन्मदिन भी है और आज 90 वसंत का आनंद लेंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी गाते रहे स्वागत वंदन कर अभिनंदन मगन सभी पर रहे तालियों में मंगल से नमः। आज उद्घाटन एक मर रेवन लगाई जो दर्जे पर ढोल तो मगल
ना ताल जी न थड़गा सारा जंगली जंगल हुई जा लोग एक कम रन शायद देखा सारा जंगल भाई पूरे न थड़ जी कुछ आई 22 अगस्त 1648 में जन्म छ थड़गा श्रीनगर में शिक्षा शस्त्र विद्या भी श्रीनगर में एक बैल थे घर तीर्ता के चावल दीवार ना जा चंदोला से प्रथम प्रणय मिलन मुगल दरबार में जय कर से मुक्ति दिले छा साहब पूरे ने थन जी न पूरा वर्णन करूं जिग मा हूं बारे मा जन्म से लेकर संन्यास तक मुगल संसारों जो को करेला दिखा कर गढ़वाल की भौगोलिक संरचना समय यहाँ कुमाऊं के राजा से जगत चंद से चर्चा है पांच भाई कठे राजकुमार प्रदीप साहब को सुरक्षित स्थान पर रानीगढ़ ले जाते हैं और लास्ट युद्ध जूनागढ़ में जूनागढ़ में लास्ट युद्ध अपर लड़ी और वो एक बार उन्होंने संन्यास ले लिया पीछे पूरे नेता जी एक सारा इतिहास है जिक्र कर जख मूर्ति च जय श्री राम झंडा लगाने काफी बड़ी मूर्ति च भाई करीबन 8-10 फुट ऊंचाई च वीर पुरिया ने थाने जी के जय हो जी ये चिंजा मन ने थाने जी मर खास आदमी छनो जान पहचान भी रिश्तेदार भी और दादाजी का अच्छा दादाजी दादाजी देखे अच्छा तो ये जो मूर्ति बनाई है मतलब इधर को तो लागत होल करीब लागत सरकार ने दिया इसका पैसा अच्छा अच्छा हाँ तो 4-5 लाख के करीब मूर्ति मूर्ति बाकी कुछ पैसा हम लोगों ने लगाया अच्छा अच्छा
बाकी जितने भी एक्स्ट्रा खर्चा हो सब हमने किया। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ सरकार तरफ से भी कुछ पैसा मतलब मिली है, तभी ये संभव हो पाया। चलो बहुत बहुत बधाई आप लोग कि वीरपुर ने ठंड जी के लिए सुंदर से स्मारक बन गया था। बहुत बहुत बधाई हो सर गढ़वाल था सबको, आप लोग ये माला डालने का स्पेशल डिश है, ये सही है, आइडिया भी सही है। देखा जी घोड़ा भी बहुत बड़ो छो, अब घोड़ा नाम के छाया बारे में कखी मोड़न नहीं छो, पर घोड़ा का पूछ काफी मजबूत बने छो। एक दिन कुनिया जी यहाँ रंगपुरदार में पेड़ की छाया में पड़े हुए थे, उनको नींद आ गई। इतने एक संत कोई दिव्य संत आए, उन्होंने देखा कि ये बच्चा पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, चलो कोई बात है। उन्होंने अपने कोटली से कुछ भोजन निकाला और खाने लगे। इस बीच में पुरिया नैथानी जी को पता नहीं क्या प्रेरणा मिली कि उनकी आंखें खुल गई। जैसे ही वो खड़े हुए उठे तो महात्मा जी चंपा, लेकिन उनके खाए हुए कुछ दाने जमीन में गिरे हुए थे। और जैसे पुरिया जी ने प्रसाद सफल करके कि ये महात्मा जी का, यति जी का, ऋषि जी का प्रसाद है, मुंह में रखा तो कहने लगे, रे देखो चांदनी चौक में मटेर लड़ रहे हैं, दिव्य दृश्य पैदा। ये जनश्रुति है, ये इतिहास नहीं है। अब इसको प्रमाणित करना है कि क्या धन्य पुरिया धार में पुरिया जी को दिव्य दृश्य प्राप्त हुई थी, तो उसके पीछे बिल्कुल गरीब घर का बालक, और उसके बाद में उन्हें अकस्मात ऐसा बुद्धि को सलाया कि वे गढ़वाल के चाणक्य कहलाए, वे उत्तराखंड के फडणवीस कहे जाते हैं, जिस औरंगजेब को तलवार की धार पसंद थी, जो हिंदू के नाम से चोटी कटवा सकता था, जनेऊ कटवा सकता था, उसके दरबार में जाकर के पुरिया नैथानी ने जजिया कर मुक्त कराया। एक तो हिंदुओं पर आक्रमण न कर आक्रमण किया जाए, उनको सताया न जाए, औरंगजेब से विश्वास लेकर के आओ। नंबर दो, उनको विश्वास में लेकर के आओ कि उत्तराखंड में ये हमारी पहाड़ की देवभूमि है, यहाँ गाय नहीं काटी जाएगी। और नंबर तीन, जो तुमने अवैध निरंकुश निर्दय जजिया का लगाया है, इसको मुक्त कर दिया। उन्होंने जब पढ़ा कुरिया ने थने अभिनंदन पत्र, तो औरंगजेब ने कहा, कुरिया जी आपकी दो बातें मैं अभी कबूल करता हूँ, वहां किसी की चोटी नहीं काटी जाएगी, गोवध नहीं होगा, लेकिन जजिया का तो मैं कैसे माफ कर दूं, हमारा राजकाज तो इस टाइप से ही चलता है। तो पुरिया नैथानी बहुत ही चतुर आदमी थे, उन पहले ही जेब में उनका ये करेला ले जा रखा था, करेला। उन्हें कहा, महाराज सहन था हुजूर आला, ये है हमारा पहाड़, अब आप देख लीजिए कि इस पहाड़ में कहीं पर खेत बनाने लायक जगह है, ये है करेला माने हमारा पहाड़, अब तो जब पैदा ही नहीं होगा तो हम जजिया कर कहां से देंगे। बहुत खुश हुआ और उन्हें का मान गए, पहाड़ का गहरी नरेश साल जजिया कर। और अब अगले दिन शाही भोजरा आयोजन किया गया, ताल भी लगे आज टेंट जबरदस्त, खाना खाना खोनेगी, खाना बनी तैयार, बड़ा बड़ा पतलों पर है बढ़िया से, देखा टेंट के बढ़िया व्यवस्था चल, और बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ, और लोग भी काफी हैं आज, और एक भी लगा हुई खाना 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 अच्छा लाग लग जाओ जी, पूरे नेथान जी उद्घाटन मार, जोर तमोगा जोर मार, तरीके से सभी लोग उत्तर प्रदेश है, और वही कार्यक्रम हो रहा है, तमोगा जोर मार दे यार,
बहुत बहुत धन्यवाद भाई, दमोह को जाऊँ तो बहुत ही बढ़िया। आप लोग ये प्रयास कर आपने गाँव में बहुत अच्छा प्रयास, और मैं आप बहुत बहुत प्रणाम कर कि जब फिर ट्रस्ट शुरू करते हैं तब भी पैर पर्ची मेरी कटाई थी मन थे मन समझे हाँ। और मैंने कहा नहीं, मैं तो बड़ो अच्छा लगू दू जब की सीनियर सिटीजन जब 50-60 साल नौकरी के नंदन और उधर गाँव के याद आएगा, और तब भी उनकी भाई हमारे प्रयास की आप मनोबल डाउन नहीं हो, आप तक खुश मिल आप काम करो। और देखो उन काम करते हैं बहुत लोग मित्र सुन चो हर क्षेत्र में बहुत बहुत गाँव में अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं और उनका है, और अपन आज प्रयास कारण मित्र होने के लिए अपन पूरे जी जो स्मारक बना है बहुत अच्छा लगा चु, और बड़ी खुशी होनी चाहिए कि एक बार आज से आप पर हम 20-50 साल बाद 60-70 साल बाद, लेकिन आप तभी निर्मल जी आप तभी याद करे जान मेरे परिवार को याद करे जान कि आज है उम्र है शहर आप पड़े छह, और मैं अपन युवा भाई बहनों का अपन माँ बहनों को बोलना चाहूँ चाहूँ कि जब जब मौका लगू चाहू देखो हमारे दादा पड़दादा की जमीन बांध को दुखलड़ी एक वार्ड एक पानी बांध को दुखलड़े हो जाए आज सब तक रह गए, लेकिन हम लोग तब जब मौका मिली हम तक जय पद्म था जय सक्षम था अपने क्षेत्रों को अपने गाँव को जरूर कर चुके, और मैं जो भी बोल 100% गारो, लेकिन आप तक जब जब आप सक्षम था आज भी बताओ चौचन भाई हम जय जरूर बचा 10% गारो की 20% गारो की 50% गारो, और मैं विश्वास दिलाऊ साहब तक इतने निर्मल भाई जी तारीत आप लोगों को समय हमेशा याद करे जात डीडी मधी आई मेर फादर डीडी में अच्छा है, और मेर फादर 94 में होगी है ना, और तब मैं 15 साल अच्छा, और मैं तभी जॉब मिल मेरे पापा की जगह मैं तब जॉब मिली 5-6 महीने का भी जानकार है, और आप पूरे जॉब में आप दिखता कि जब आप जॉब बनता है आप सब सोल्ट मन हो बड़ बड़ा पोस्ट बन हम तो सब स्टाफ हो, लेकिन जब आप बेटी पे हो जाओ लड़का साथी हो जाओ और जब आप हरण बेचता तब सोचता कि हम जीवन बची जाए, और तब पता चलते यार मैं दादापुर को जमीन छाती तो मैं सब छोड़ूंगा और शहर में कोई नहीं पूछो शहर में पड़ोस हम पड़ोसी मकान में 5 करोड़ मकान जरूर होगा, लेकिन मैं तो पड़ोसी नहीं पूछो चु कि तू ठीक है कि बुरी है बची सही भी है, और आप ही हम तक मैं तो शहर में दिखो चो, और मैक्सिमम हम कोविड कार्यकाल में बीते कि मैं इनका परिवार होते थी कि जो आज खुलाना दिन की भाई हमारे कुमार का हुआ हमारे मकान बने दिया आज की हमारे विदेश में कुछ नहीं रहा तब हम तब घर यहाँ पर, और घर में कोई नहीं बीमार हुआ कोई नहीं मुआ पहले थोड़ी जुकाम वुकाम लग गया हो लो थोड़ा बहुत घर आज पिछले साले बोर्ड भी निकले तो आज फिट उधर बोर्ड जो कुछ नहीं थे तुम कदा जले भी खेले जाए कदा मीठे खेले जाए बाहर खेले जाए छक्के पुड़ू भूले जाए बस, और हम शहर में आप इतनी रोड को जाना था सुबह और 3-3 वर्ष हमको लेके हम लोग कुछ नहीं लगे हमारे बॉडी इंटैक्ट में रहेगी, तो मैं बताना चाह हम लोगों तक जब भी प्रयास करते चतुर्ग भी हम लोग आया था चतुर्ग में देखा परिवार से अन्नपूर्ण जो मुद्दे बनाए थे हम लोगों तक साल में अब दिक्कत तो बुलाओ मजबूरी से हमारे दिक्कत बुलाया लेके हम दिखता उन्हें दिक्कत बुलाऊ, लेकिन हम तक प्यार से आठ चाहू और हम लोग विदेश में जाना घूमने को हमारे गाँव हमें देखो क्या खेती खिलान बहुत अच्छे पहाड़ बहुत अच्छे, और आप लोग रोजगार लगाओ मैं बोल कि हम कुछ दिन कह जाओ पीढ़ी आपका जन्म भाई जी कह रहे आपका प्रयास आज सब लोग कहना था आपका दिल से आपका दिल गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद कर दू
और जो आप लोगों ये प्रोग्राम मेरा बुलाई और मैं आप दिल से और जो भी मेरे जो भी प्रयास हुआ मैं हमेशा आप अंदर बढ़ता हूँ और हमेशा मेरा भी प्रयास रहा कि हम लोग अच्छा क्षेत्र में अच्छा और हमारे क्षेत्र का विकास हो और मैं यहाँ के साथ पढ़ने से ब्राह्मण दू और क्या एक नाम छोड़कर शब्दों से आपका कहते हैं माँ बेटा हूँ और अपन प्यार प्रेम आशीर्वाद में बड़े करें और माँ भुवनेश्वर और पंडित जी यहाँ मैं आपसे प्रणाम कर दूँ और सभी लोगों मैं अपने माँ बहन धन्यवाद करता हूँ और आज यहाँ के साथ पढ़ने का धन्यवाद गुरु जी और प्रणाम यहाँ के साथ एक बार हम माँ भुवनेश्वरी नारा लगोला जय माँ भुवनेश्वरी की जय माँ भुवनेश्वरी की जय माँ भुवनेश्वरी की आशीर्वाद ही हमारे लिए हमारा आशीर्वाद सभी को नमन अटक जरा खाने का तारीफ कर जाओ तो भीड़ बड़ी ऊंची कितना हलवे का क्या जाए हलवे का अच्छा आप यार ढूंढ बैठे खाए नहीं हाँ सर चल बढ़िया जी बढ़िया से खाना भूख भी लगी छत्ता गड़ी दुई बजे ठीक तब सब खाना खाने बैठ गए तब समाचार बंद बंद पड़ा रहा है समाचार मतलब भाषणबाजी ये तरह से संपन्न हो गया जी वीरपुरिया नेथाणी जी की स्मृति का उद्घाटन समारोह बहुत बढ़िया समारोह रहा है अच्छा बैठा जी अशोक में जी सारा परिवार परिवार मान सकता ना अगल बगल पड़ोसी बहुत बड़ी योगदान जो के प्रोग्राम हाँ कमला ने जी बैठा डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद जी बहुत बड़ी योगदान ये प्रोग्राम कराने में बहुत बढ़िया तो ये तरह से संपन्न हो गया जी मूर्ति उद्घाटन समारोह बताने क्या आप लोगों को दक्कन लगी हमारे वीरपुरिया नेथाणी जी मूर्ति समारोह छा भाई अछूत लगन चेण अपर जमन में उन औरंगजेब थे हरे छ चाहे अपर बुद्धि से हरे छा चाहे कुछ से भी हम मान सकते उन उत्तराखंड जजिया कर जो कि बहुत बुरु कर लगो छाई औरंगजेब वे थे खुद औरंगजेब न चातुर्यपन से हटे छा सदा अमर रहे वीरपुरिया नेथाणी जी को याद जय उत्तराखंड जय हिंदुस्तान हर हर महादेव जय श्री राम।